बच्चों आप सोचते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने से, हिस्ट्री पढ़ने से, पॉलिटी इकोनॉमी या लॉट ऑफ थिंग्स जो यूपीएससी ने दिया है उसके पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं। सिलेक्शन तो एक पर्सनालिटी का किया जाता है कि किस टाइप की पर्सनालिटी प्रशासन में फिट होगी वह जानने वाली बात है। यहां पर यदि ज्ञान का टेस्ट होता तो बच्चों मैं कह सकता हूं आईआईटीज, आईआईएम्स और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इंडिया के हैं जहां पर टॉपर निकलते हैं उनका सिलेक्शन होता, परंतु ऐसा नहीं है। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर बड़े ही सामान्य बच्चों का भी सिलेक्शन होता है जिनकी पर्सनालिटी अधिकारियों वाली होती है। तो वो कौन सी है, यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह प्रोग्राम बच्चों 2 मिनट की वीडियो आपके जीवन में सब कुछ बदलाव ला देगी, तो बस आप टिके रहिए और देखिए कि क्या क्या परिवर्तन आता है। मैं प्रमोद शर्मा, मोटिवेटर, राइटर एंड फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय प्रमोद शर्मा। बच्चों जरूरत यह होती है कि हाउ टू थिंक, पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू थिंक, सोचते कैसे। सोचते ही नहीं बच्चों, बात यह है कि जो सोचते हैं उसको बोलते कैसे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी विद्वान ने कहा है अंदाजे बयां से बदल जाती है हर बात, वरना इस दुनिया में नई कोई बात नहीं। और किसी ने यह भी कहा है कि बात ही हाथी दे और बात ही हाथी पाओ। तो इस जीवन में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बोलना, कि क्या बोल रहे हैं, उसके साथ साथ लिखना। यूपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण है लिखना, क्योंकि 1750 नंबर ये जो है वह लिखने का है बच्चों, और उसी से आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट टेस्ट होते हैं। फिर उसके साथ प्रेजेंट कैसा करते हैं, वो जो लिख रहे हैं, वो जो आप चीजों को बताने जा रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इस बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। और यहीं पर कई बार ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, अप्रोच की आवश्यकता होती है कि टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द कंट्री, टुवर्ड योर सेल्फ, टुवर्ड योर फैमिली, व्हाट इज अप्रोच, अप्रोच इन विच डायरेक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या प्रॉब्लम मेकिंग अप्रोच है? तो यूपीएससी हमेशा ध्यान रखिएगा चाहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आपकी राइटिंग से वो तुरंत झलकने लगती है, और उसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कैसी है। बहुत सारी जो समाज में समस्याएं चलती हैं उसके फेवर में या अगेंस्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ये सब पर्सनालिटी के डिफरेंट पार्ट होते हैं। इन्हीं पर्सनालिटी के डिफरेंट पार्ट को यूपीएससी समझने के लिए बच्चों एग्जामिनेशन को देखिए कैसे थ्री टायर यानी कि त्रिस्तरीय बनाई हुई है। द फर्स्ट लेयर इज प्रीलिम्स। थ्रू प्रीलिम्स यूपीएससी समझ लेती है कि इस बच्चे में कितनी डेयरनेस है, कितनी डिसीजन मेकिंग पावर है, रिकनेक्टिंग रिकलेक्टिंग कैपेसिटी कितनी है, यूपीएससी तुरंत समझ लेती है। फिर उसके बाद आपका बनता है मेंस। मेंस से अप्रोच, थिंकिंग, थॉट, प्रेजेंटेशन, इन सभी चीजों को यूपीएससी समझ लेती है। और उसके बाद आता इंटरव्यू, कि बंदा स्पीकिंग कैसा करता है, किस तरह से अपनी बातों को रखता है, यूपीएससी अपनी इस त्रिस्तरीय परीक्षा के माध्यम से तुरंत समझ लेती है बच्चों। तो ऐसे में अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए। जब पर्सनालिटी ग्रूम करती है तो सभी चीजें डिटरमाइन होने लगती है बच्चों। आपके ड्रीम्स, आपके लाइफ, आपके वर्क, आपकी फैमिली, आपके गोल्स, सब चीजें डिसाइड होने लगती हैं कि कैसा आप ड्रीम रखते हैं, कैसा आप गोल बनाते हैं, फैमिली के साथ आपका क्या बिहेवियर है, बहुत सारी चीजें। और यही नहीं बच्चों, उससे भी खास बात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ उसी अनुसार चलने लगती है, आपकी पर्सनालिटी कैसे है ना। तो ऐसे में बच्चों जब पर्सनालिटी ग्रूम करती है आपके अंदर चेंजेस आएंगे, तो अपने आप थिंकिंग बढ़ेगी, तो अपने आप कम्युनिकेशन स्किल आने लगती है, और वो राइटिंग में दिखने लगती है यानी कि राइटिंग स्किल आने लगती है। तो ऐसे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, और इसमें 25 सीट है बच्चों, तो फटाफट बुक करिए, इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, मेरी टेक्निकल टीम आपको तुरंत असिस्ट करेगी। आइए मेरे इस प्रोग्राम से जुड़िए और लाभ उठाइए, डेफिनेटली आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है। तो आइए प्रमोद शर्मा सर की इस क्लास से जुड़कर
एकदम लाभान्वित हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।